हेलो फ्रेंड्स, हमारे वेब पेज जॉनी सर्विसेज डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बैंक स्टेटमेंट को माइक्रो लगा के बैंक पेमेंट और रिसिप्ट एंट्रीज कैसे सेपरेट करने हैं। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी मेरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड डाउनलोड करके रखा हुआ है। हाँ, तो ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। आपका अगर बैंक स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट में रहेगा तो आपको यही माइक्रो रन करना है। अगर आपका किसी और फॉर्मेट में रहेगा तो आपको अलग माइक्रो बना के वो रन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी माइक्रो बना दिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, माइक्रोज में जाना है, ये व्यूज माइक्रोज में जाना है और इन टेस्ट करके इफ़ टेस्ट करके माइक्रोज है वो आपको सिर्फ रन करना है और आपको बैंक एंट्री जो है पेमेंट और रिसिप्ट में ब्रेकअप हो जाएगी। तो ये मैंने रन कर दिया, ये हो गया। अभी आप देख सकते हो इसको फिल्टर लगा के कि जितना भी क्रेडिट एंट्री रहेगा ना वो सब आपका रिसिप्ट में चला गया है। तो आप चाहे तो आपका कैश एंट्री रहेगा तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा कैश एंट्री फिल्टर करके कॉन्ट्रा में इसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। और हम लोग पेमेंट का भी देख लेते हैं, आपका जितना भी डेबिट एंट्रीज रहेगा वो सब पेमेंट में चले गए रहेंगे। आप चाहे तो इसको फिल्टर लगा के यहाँ पे नरेशन में कैश और या एटीएम विड्रॉवल वो है वो आप पेमेंट की जगह कॉन्ट्रा और सस्पेंस की जगह कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।